हेलो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन। प्रायर टू एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन से पहले हमको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है? नीड ए वॉर्म एंड प्राइवेट इन्वायरमेंट, ठीक है, पेशेंट को वॉर्म और प्राइवेट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है सबसे पहले। उसके बाद में चेक पेशेंट आईडी, ठीक है, आई वॉश योर हैंड्स एंड इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड से विद स्टेटस यू होल्ड एंड एक्सप्लेन वाई यू नीड टू पालपेट द पेशेंट एब्डोमन एंड गेन वर्बल कंसेंट। एंश्योर द पेशेंट हैज एम्पटाइड हर ब्लेडर टू अवॉइड डिस्कम्फर्ट एंड पोजिशन पेशेंट अप्रोप्रिएटली लाइक सुपाइन एंड हेड एंड टॉप ऑफ शोल्डर ओनली सपोर्ट बाई पिल्लो एंड हैंड बाई साइड। नेक्स्ट इज बैक टू बेसिस, किन किन बेसिस पे हम जो है वो एग्जामिनेशन करते हैं। तो सबसे पहले करते हैं इंस्पेक्शन, पालपेशन और एजकल्टेशन। तो पहले करते हैं इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में क्या इंस्पेक्ट करते हैं? एब्डोमन की साइज, शेप, स्कार, लीनियर नाइग्रा, स्ट्रिया, मूवमेंट एंड कलर। उसके बाद में करते हैं पालपेशन। तो पालपेशन में करते हैं एब्डोमन फॉर ग्रोथ, जेस्टेशन एज, एस्टिमेशन बाय फंडल हाइट, मेजरमेंट, मूवमेंट, फीटल पार्ट, नंबर ऑफ फीटस, लाइज, पोजिशन, प्रेजेंटेशन एंड एंगेजमेंट। देन करते हैं एजकल्टेशन, एब्डोमन फॉर फीटल हार्ट रेट, यूज फीटल स्टेथोस्कोप, पिनार्ड और सोनिकेड। सबसे पहले देखते हैं पालपेशन। तो पालपेशन में क्या करते हैं? पहले मेंटेन द पेशेंट डिग्निटी एट ऑल टाइम, एक्सपोज ओनली एज मच ऑफ योर पेशेंट एज इज रिक्वायर्ड, इंश्योर दैट योर पेशेंट इज पोजिशन अप्रोप्रिएटली एंड दैट यू हैव वॉर्म हैंड, पालपेट द एब्डोमन यूजिंग इवन मूवमेंट ऑफ द फीट फ्लैट ऑफ द पाल्मर सरफेस ऑफ क्लोजर फिंगर, डू नॉट प्राउड द प्रोड द एब्डोमन एंड यूज ऑफ जर्की मूवमेंट एज दो दीज आर लाइकली टू इरीटेट द यूटरस, स्टिमुलेट ए कॉन्ट्रैक्शन। इस तरह से हम पालपेशन करते हैं। यूज इवन मूवमेंट ऑफ फ्लैट ऑफ पाल्मर सरफेस ऑफ क्लोज फिंगर, एम टू मेंटेन हेड टू स्किन कॉन्टैक्ट एज मच एज पॉसिबल एंड डू नॉट प्रोड द एब्डोमन यूज जर्की मूवमेंट। ज्वेलरी शुड बी रिमूव्ड बिफोर पाल्पेशन। द फंडल हाइट, फंडल द मूवमेंट वुमेन लाइज सुपाइन, पाल्पेट ऑफ द फंडस फर्स्ट एंड फंडस इज नॉट यूजली पाल्पेटेड एब्डोमिनल बिफोर 12 week जेस्टेशन, अप्लाई जेंटल प्रेशर विद द फ्लैट पाल्मर सरफेस ऑफ योर हैंड, मूवमेंट डाउनवर्ड फ्रॉम द जीफी स्टर्नम टू पाल्पेट द टॉप ऑफ द फंडस। द फंडल हाइट कैन बी मेजर इन सेंटीमीटर फॉर 24 week जेस्टेशन, प्लेस द जीरो एंड ऑफ द टेप मेजर एट फंडस एंड स्ट्रेच द टेप मेजर ओवर द एब्डोमन फेस डाउन सो दैट मेजरमेंट कैन नॉट बी सीन, दिस अवॉइड ऑब्जर्वर बियास टू द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द सिम्पाइसिस प्यूबस। मीन्स जो टेप हम यूज करेंगे एब्डोमन पे मेजरमेंट के लिए वो सिम्फाइसिस प्यूबस से लेकर जीफी स्टर्नम तक उसको रखते हैं। देन लुक ऑन द रिवर्स ऑफ द टेप एंड डॉक्यूमेंट द मेजरमेंट इन सेंटीमीटर। तो लाइक दिस ऐसे जो है वो टेप रखेंगे और मेजरमेंट करेंगे। पालपेट द शेप ऑफ द यूट्रस क्लियरली आइडेंटिफाइड फंडस, जीरो ऑफ द टेप मेजर इज हेल्ड एट फंडस एंड जेंटली स्ट्रेच द टेप मेजरिंग ओवर द एब्डोमन द सुपीरियरली बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस। द लाई, तो लाई सबसे पहले कैसे देखते हैं? लाई क्या होती है? लाई ऑफ द फीटस रिफर्स टू इट्स लॉन्ग एक्सिस इन रिलेशन टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द मदर, ओनली लॉन्जिट्यूडनल लाई इज नॉर्मल। तो तीन तरह की लाई होती है, लॉन्जिट्यूडनल, ट्रांसफर एंड ओब्लिक। तो जो लॉन्जिट्यूडनल लाई है वो नॉर्मल होती है, इट यूजली एनेबल टू प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ एंटरिंग पेल्विस। देन पाल्पेशन आइडेंटिफाइड लाई, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी लाई है? तो पाल्पेशन से ही करेंगे। तो द पाल्पेशन कंटिन्यू डाउन ऑफ द बॉडी ऑफ यूट्रस,
द स्मूथ बैक ऑफ द फीटस इज पालपेटेड एंड आइडेंटिफाइड. Then an irregular surface created by the limbs, hand and feet is identified. The presentation. Presentation is a part of the fetus in the lower pole of the uterus. तो uterus के lower pole में जो भी fetus का part होगा वो presentation कहलाता है. तो दो तरह के होते हैं, cephalic and breech presentation. तो cephalic means head का, fetus का head, and breech means buttocks of the fetus. Palpation identified the presentation. Uterus is gently palpated between the palm of two hands. The fetal parts is the upper pole in this case of breech, and the lower pole of the uterus are identified. Characteristically, the breech is softer than the head. There is no angle formed by neck, and the surface continues smoothly with the back. पोजिशन. नेक्स्ट, पोजिशन क्या होती है? द पोजिशन ऑफ द फीटस इज प्रिस्क्राइब्ड बाई द रिलेशनशिप ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट टू द मैटरनल पेल्विस. द डिनोमिनेटर ऑफ द जस्टेशन पार्ट ऑफ ए सिफेलिक प्रेजेंटेशन इज ऑक्सीपुट एंड द ब्रीज प्रेजेंटेशन इज सैक्रम. देन identified the position, the description for a cephalic presentation with the occiput lying directly lateral to the left wouldn't be lateral, left occipito lateral. इसमें क्या देखते हैं, फिटस का जो occiput है वो maternal के left side में है, तो उस position को बोलते हैं left occipito lateral. The position, imagine the mother is lying supine and you are looking through the her pelvis facing her feet. Then you see mother left and this side mother right, and symphysis pubis and mother spine. ठीक है, तो ये जो पॉइंट दिख रहे हैं आपको ये है पोजिशन ऑफ फीटल ऑक्सीपुट और प्रेजेंटिंग पार्ट. ठीक है, तो सबसे पहले जो सिम्फाइसिस प्यूबिस की तरफ होगा वो होगा एंटीरियर, डायरेक्ट एंटीरियर. ठीक है, और जो मदर स्पाइन की तरफ होगा वो डायरेक्ट पोस्टीरियर. एंड जो लेटरल साइड में होते हैं वो राइट एंटीरियर एंड लेफ्ट एंटीरियर. जो ट्रांसफर पोजीशन होती है, ट्रांसफर लाई अगर होती है फीटस की, तो लेफ्ट लेटरल एंड राइट लेटरल, देन लेफ्ट पोस्टीरियर एंड राइट पोस्टीरियर. Cephalic presentation. Cephalic presentation is the presentation of the fetal head. This is a normal and most common presentation. The position is described by the direction in which the occiput faces the mother pelvis. Then, direct occipito anterior is the जो fetus का head है, जो occiput है वो mother के anterior side में होता है. And इसमें लेफ्ट ऑक्सीपुटो लेटरल, इसके अंदर क्या होता है कि जो फीटस का जो ऑक्सीपुट है वो मदर के लेफ्ट साइड में होता है. देन राइट ऑक्सीपुटो एंटीरियर, तो राइट ऑक्सीपुटो एंटीरियर में क्या होगा, जो फीटस का ऑक्सीपुट है वो मदर के राइट साइड में होगा. देन लेफ्ट ऑक्सीपुटो एंटीरियर, ठीक है, जो लेफ्ट ऑक्सीपुटो एंटीरियर, तो ऑक्सीपुट है वो एंटीरियर साइड में होगा और लेफ्ट साइड में होगा. एंड देन राइट ऑक्सीपुटो लेटरल, डायरेक्ट ऑक्सीपुटो पोस्टीरियर, इसमें क्या होगा, ऑक्सीपुट होगा वो पोस्टीरियर साइड में होगा. देन लेफ्ट ऑक्सीपुटो पोस्टीरियर, तो जो फिटस का ऑक्सीपुट होगा वो मदर के लेफ्ट साइड में होगा एंड पोस्टीरियरली होगा. देन राइट ऑक्सीपुटो पोस्टीरियर, इसमें क्या होगा, जो फिटस का ऑक्सीपुट है वो मदर के राइट ऑक्सीपुटो राइट साइड में होगा और पोस्टीरियर साइड में होगा. देन ब्रीज प्रेजेंटेशन, द पोजिशन इज डिस्क्राइब बाई द डायरेक्शन इन विच द सैक्रम फेसेस द मदर पेल्विस. इन द ब्रीज प्रेजेंटेशन लेग मे बी फ्लेक्स्ड और एक्सटेंडेड. ब्रीज इज नॉट ए नॉर्मल प्रेजेंटेशन एंड रीजन वाई द ब्रीज इज प्रेजेंटिंग शुड बी कंसिडर. डायरेक्ट सैक्रो एंटीरियर, तो जो सैक्रम है, जो फीटस की सैक्रम है वो मदर के एंटीरियर साइट में होती है.
इस पोजीशन में, और इसमें लेफ्ट सैक्रो एंटीरियर, इसमें क्या होगा जो फीटस की सेक्रम है वो मदर के लेफ्ट साइड में और एंटीरियर साइड में होती है। इसमें जो बच्चे की सेक्रम है, फीटस की सेक्रम है, वो राइट एंटीरियर साइड में होती है मदर के, और इसमें जो फीटस का सेक्रम है वो लेफ्ट मदर के लेफ्ट में और पोस्टीरियर साइड लेटरल साइड में होता है इसमें, ठीक है। और इसमें बच्चे का सेक्रम होगा वो राइट लेटरल साइड में होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो सेक्रम होता है बच्चे का वो मदर के पोस्टीरियर साइड में होता है। देन लेफ्ट ऑक्सिप लेफ्ट सेक्रो पोस्टीरियर, इसमें क्या होता है कि जो सेक्रम है वो लेफ्ट बच्चे का लेफ्ट मदर के लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है, पोस्टीरियरली। और इसमें क्या होता है कि राइट साइड में होता है पोस्टीरियरली। देन एंगेजमेंट रेफर्स टू द डिसेंट ऑफ वाइडेस्ट ट्रांसफर डायमीटर ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट रिज और सिफेलिक थ्रू द टू पेल्विस। द अमाउंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट पाल्पेबल इज यूज टू डिस्क्राइब डिसेंट इन टू पेल्विस वेन टू फिफ्थ और लेस ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट इज पाल्पेबल एब्डोमिनल इन द एंगेज्ड। एंगेजमेंट अकर्स अराउंड 36 वीक इन द प्राइमरी ग्रेविडा विद द सिफेलिक प्रेजेंटेशन एंड मल्टी ग्रेविडा एंगेजमेंट में अकर आफ्टर द ऑनसेट ऑफ लेबर। देन एंगेजमेंट इट इज कॉमन इन लेटर प्रेगनेंसी इज रिफर्स टू मोबाइल एंड फिक्स्ड। तो मोबाइल इज द प्रेजेंटिंग पार्ट इज फ्रीली अबव द ब्रिम एंड फिक्स्ड इज प्रेजेंटिंग पार्ट एंटर इन इन पेल्विस। इफ द प्रेजेंटिंग पार्ट डज नॉट एंगेज व्हेन एंटिसिपेटेड कॉजेज ऑफ नॉन एंगेजमेंट असेसिंग एंगेजमेंट एग्जामिनर शुड यूजली स्टैंड ऑन द मदर राइट साइड एंड फेसेस द मदर फीट। द प्रेजेंटिंग पार्ट इज आइडेंटिफाइड सिफेलिक प्रेजेंटेशन फील हार्ड राउंड विद ए डीप विद ए नेक एंड ब्रीच मे बी फील सॉफ्टर एंड कंटिन्यू विद स्पाइन। द प्रेजेंटिंग पार्ट इज पाल्पेबल यूजिंग बोथ हैंड्स एंड असेसिंग द ओ इज मेड ऑफ how much of the presenting part can be palpated and whether the head is engaged and fixed or mobile. Assessing the fetal heart rate by using Pinard fetoscope and fetal heart rate should be ascertained using a fetal stethoscope known as either Pinard or wood metal or plastic device. Chosen devices placed on the baby's back and near the shoulder are clear the fetal heart rate can be heard and location of the fetal heart may help to confirm your finding on palpation. Assessing the fetal heart rate should be continued for a full minute while also palpating the mother pulse. The normal fetal heart rate is between 110 to 160 beat per minute. Presenting प्रेजेंटेशन एंड रिकॉर्डिंग योर फाइंडिंग, जो भी एग्जामिनेशन में जो भी हमने देखा है वो उनको उसकी फाइंडिंग को रिकॉर्ड करना, रिपोर्ट ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन में जो भी देखा है ऑब्जर्वेशन और इंस्पेक्शन में उनको रिपोर्ट करना, और फंडल और क्या क्या रिकॉर्ड करना, फंडल हाइट रिकॉर्ड करना सेंटीमीटर में और लाई प्रेजेंटेशन पोजिशन एंगेजमेंट फीटल हार्ट रेट इन सबको। देन प्रेजेंटिंग एंड रिकॉर्डिंग योर फाइंडिंग, फर्स्ट रिपोर्टिंग में क्या करना है, एनीथिंग सिग्निफिकेंट ऑन ऑब्जर्वेशन अनयूजली कलरेशन रेसेज और साइजेस एंड फंडल हाइट इन सेंटीमीटर, हाइट इन सेंटीमीटर अबाउट 24 वीक टू जेस्टेशन एज शुड बी कंसिडर विद डेट एग्रीड प्लस माइनस 2 वीक। द लाई इज लॉन्जिट्यूडनल ट्रांसफर और ओब्लिक। द ट्रांस प्रेजेंटेशन इज सिफेलिक ब्रीच, अदर प्रेजेंटेशन डिफिकल्ट टू डिटरमाइन ऑन द एब्डोमन पाल्पेशन। द पोजिशन इज लेफ्ट ऑक्सीपिटो लेटरल और राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। एंगेजमेंट इज द प्रेजेंटिंग पार्ट एंगेज्ड। फीटल हार्ट रेट इज डू यू हियर इट
विद व्हाट और वाज इट डिफाइनेटली द फिटल हार्ट रेट और नोट मेटरनल पल्स एंड अदर इज अदर रिलेवेंट फाइंडिंग आर एग्जाम फॉर एग्जाम्पल फिटल मूवमेंट फेल्ट और ऑब्जर्व एंड फिटल पार्ट पाल्पेबल. ओके, थैंक यू.